नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल नॉलेज रडार में। तो दोस्तों, मैं हूं विवेक और हाजिर हूं यहां पे एक नए एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के साथ। सो दोस्तों, आज का जो हमारा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है वो है डिजिटल मार्केटिंग। मतलब डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है और आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने की क्या ज़रूरत है और डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज आजकल क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया जो है बहुत डिजिटलाइजेशन हो गई है, हर चीज़ डिजिटल हो रहा है। तो ऐसे में आप पीछे ना रह जाएं, इसलिए आपको डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज होना बिल्कुल भी जरूरी हो गया है। और साथ में बताऊंगा कि आप कैसे फ्री में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जो है आप कर सकते हैं, वो भी दुनिया के टॉप वेबसाइट यानी कि आप गूगल से फ्री में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं और साथ में फ्री सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे मिलेगा। सो मैंने यह कोर्स किया है, मैं आपको अपना सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। साथ में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सब लेकर आऊंगा इसके सारे लेक्चर्स को, कि आपको इसका कोर्स कैसे करना है, किस तरह से इसका एग्जाम देना है, वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि ये डिजिटल मार्केटिंग का, अगर सबसे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि नॉलेज रडार चैनल पे आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन मिलता है, पार्ट टाइम जॉब मिलता है और जो भी कुछ ट्रिक्स होते हैं जो कि एग्जाम से रिलेटेड कुछ मैथ के ट्रिक्स आते हैं या फिर कोई करंट अफेयर्स से आते हैं तो यहाँ वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। मतलब ओवरऑल बोलूँ तो जो भी एजुकेशन से इन्फॉर्मेशन होते हैं वो आपको यहाँ पे हमारे चैनल पे मिल जाता है। जैसा कि हमारा नाम ही है नॉलेज रडार, हम नॉलेज को क्या करते हैं, रडार से सिग्नल से हर जगह आपकी तरफ पहुँचाने भेजने की कोशिश करते हैं। दोस्तों चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे बताता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली होता क्या है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया की अगर हम बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग जो है बेसिकली आपका है कि जो भी प्रोडक्ट और सर्विस है अगर आप उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं उसी को हम बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। इसमें कुछ हमारे डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स का हम यूज करते हैं, जैसे कि SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये सब आप जो है इस कोर्स में जानेंगे। मैं आपको बताऊंगा इस सारे कोर्स के बारे में, सारे लेक्चर्स वीडियो में लेकर आऊंगा। सर्च इंजन मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कंटेंट ऑटोमेशन, कैंपेन मार्केटिंग, डेटा ड्रिवन मार्केटिंग, ई कॉमर्स मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ये सारे टूल्स का यूज करते हुए हम डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे करते हैं। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि हिस्ट्री डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ। तो फर्स्ट आपके अगर हम बात करें कि फर्स्ट डिजिटल मार्केटर कौन था, तो फर्स्ट आपके डिजिटल मार्केटर थे यहाँ पे गुगलिनो मार्कोनी। यदि मार्कोनी आपका नाम सुना होगा, मार्कोनी यानी कि जिन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था, वो रेडियो के इन्वेंशन उन्होंने किया था, वही हमारे फर्स्ट डिजिटल मार्केटर थे। कुछ लोगों के अनुसार कहा जाता है कि जो डिजिटल मार्केटिंग का जो टाइमली एरा जो है, इसका काल जो शुरुआत हुआ 1971 में यानी कि 1971 में हुआ था, जब रे टॉमी लिंसन ने अपना जो है फर्स्ट टाइम मेल भेजा था, किसको, खुद को उन्होंने अपना मेल भेजा था। लेकिन क्या है कि उधर से कोई मेल उधर जाए रिटर्न नहीं आया था। लेकिन बाद में कहा जाता है कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग का जो शुरुआत हुआ वो हुआ 1990s के टाइम में हुआ था, जो कि बाद में जो है आपका सर्च इंजन का वहाँ पे जन्म हुआ। यानी कि हम जिस सर्च इंजन का बात करें, फर्स्ट सर्च इंजन का जो जन्म हुआ है उसका नाम है आर्ची, आई थिंक आप लोग जानते होंगे। फिर 1993 में आपको मैं बता दूँ कि फर्स्ट क्लिकेबल एक बैनर तैयार हुआ, जो कि लाइव आपको देख सकते हैं, एक बैनर तैयार हुआ। इस बैनर को देखिए क्या है कि हॉटवायर ने क्या किया, खरीद लिया अपने एड्स का जो वेबसाइट पे एडवर्टाइजिंग करने के लिए। और साथ में बाद में देखिए जो है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के साथ जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गया। फिर 1994 में यानी 1994 में फिर देखिए याहू का आविष्कार किया गया, क्योंकि तब क्या हुआ कि लोग जो है यहाँ पे जो है सर्च करना स्टार्ट कर गए थे वेब को लेकर, मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए वो क्या थे, वेब का सर्च करते थे, तब यहाँ पे याहू का जन्म हुआ था इस टाइम। तो ये थे हो गई हिस्ट्री डिजिटल मार्केटिंग को लेकर। अब मैं बताता हूँ नीडेड डिजिटल मार्केटिंग आखिर क्यों जरूरी है। देखिए आज के टाइम में क्या है ना कि जहाँ देखिए लोगों की पसंद जो है बदल रही है, हर सेकंड लोगों की पसंद बदलते रहती है, तो ऐसे में हमें ऐसे मार्केटिंग को चूज करना होना चाहिए जो हम लोगों की पसंद को समझ पाए। जैसे ऑफलाइन मार्केटिंग में क्या होता था कि हम पहले जो है मार्केटर से मतलब जो होते वह अपना जो होता सामान वो बेचते थे, वो खरीद के ले जाते थे, फिर मैं हम उनके रिस्पॉन्स का या फीडबैक का इंतजार करते थे, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जैसे ही हम जो मार्केटिंग को ऑनलाइन लाते हैं तब यहाँ पे हमें टारगेटेड ऑडियंस मिल जाते हैं, साथ में हमें फैसिलिटी ये मिलता है कि हम जो है उनको ट्रैक कर पाते हैं। ट्रैक करने से हम उनके एक्टिविटीज़ का बिहेवियर का हमें पता चल जाता है, रिस्पॉन्स का पता चल जाता है, जिसके लिए क्या होता है कि हम हर दिन अपना नया स्ट्रेटजी बना पाते हैं और हमारा जो है सेल हो पाता है। तो इस तरह से यहाँ पे है डिजिटल मार्केटिंग का बेनिफिट है। बेसिकली आप बोल सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग हम
कह सकते हैं इसको। यहाँ पे बेनिफिट का हम डेली अपना स्ट्रेटजी अपना बना सकते हैं अपने जो है कस्टमर के अकॉर्डिंग। लेकिन ऑफलाइन मार्केटिंग में क्या है कि हमें वेट करना पड़ता है, तो उसमें टाइम काफ़ी लग जाता है। तो ये आपका बेनिफिट होता है डिजिटल मार्केटिंग का। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग का हिस्ट्री आपको बता दिया, और नीडेड क्यों डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज होना जरूरी है आज के टाइम में, ये भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अब जैसे आपको मैं बताता हूँ कि अब डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जो है आपको करना कैसे है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लेते हैं और अपने सीवी में इसको आप दिखा देते हैं, तो आपको इसे पार्ट टाइम जॉब तो एटलीस्ट मिल जाएगा, कहीं कहीं फुल टाइम जॉब भी मिल जाएगा, साथ में पार्ट टाइम जॉब भी आपको मिल सकता है। अब चलिए मैं आपको ले चलता हूँ गूगल के वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको जो है फ्री में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है। तो देखिए ये है बेसिकली गूगल का फ्री वेबसाइट, जिसका नाम है गूगल डिजिटल गैराज। यहाँ से आप फ्री में सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, मतलब यहाँ डिजिटल मार्केटिंग का जो बेसिक नॉलेज है आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाएगा, जो कि वीडियो के माध्यम से होगा। यहाँ पे हम जो गूगल के जो यहाँ पे ट्रेनर हैं वो आपको आप जो है वीडियो के माध्यम से जो आपको सिखाएंगे डिजिटल मार्केटिंग, और साथ में हर एक वीडियो के बाद आपको वहाँ पे जो है क्वेश्चंस होंगे, वो सारे क्वेश्चंस का क्विज होंगे, उनको सॉल्व करना होगा। जब तक आप उनको सॉल्व नहीं करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो नहीं मिलेगा। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा, तो रजिस्टर करके मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि कैसे यहाँ पर रजिस्टर करना है। लेकिन रजिस्टर करने से पहले मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि इसका बेनिफिट क्या है। तो देख लीजिए इसमें जो है कोर्स डिटेल्स में देख लीजिए 26 मॉड्यूल्स है, हर एक मॉड्यूल से बहुत सारे लेसन्स हैं यहाँ पे। टोटल ये कोर्स जो है आपका 40 घंटे का कोर्स है, 40 आवर्स का कोर्स है, और बेसिकली ये बिगनर के लिए है। मतलब अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग तो उसके लिए कोर्स है, मतलब कोई भी ये कर सकता है। और ये कोर्स बिल्कुल फ्री है, कोई पेड यहाँ पे नहीं लगा, कोई भी फीस इसका नहीं है, फ्री में है। कोर्स देखिए फीचर्स क्या है इसमें, देखिए सेल्फ पेस्ड लर्निंग, आप यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे आप लर्निंग को लेकर, साथ में वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं यहाँ पे, अनलिमिटेड एक्सेस है यहाँ पे, क्वेश्चंस आप कैसे कर सकते हैं। साथ में एक सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा जो कि रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन, आपको पता ही है गूगल की तरफ से यहाँ पे मिलेगा। सो बेसिकली इस कोर्स के बारे में बता दूं आपको कि बेसिकली ये कोर्स जो है आपको देखिए जो यूरोप एंड जो ओपन यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा ये मतलब ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें 26 मॉड्यूल्स है और ये क्रिएटेड, और ये जो सारे इसमें ट्रेनर्स होंगे, जो वीडियो ट्यूटोरियल जो इसमें होंगे उसमें ट्रेनर्स आपके गूगल के ट्रेनर्स होंगे, जो कि फुली पैक्ड है यहाँ पे, पैकेज है पूरे यहाँ पे। इस तरह से क्या होगा कि आपका नॉलेज आ जाएगा यहाँ पे, और उस नॉलेज को आप जो है यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये सर्टिफाइड, आपको इस सर्टिफिकेशन का जरूरत क्या है, इंप्रूव योर सीवी, अपने सीवी को आप इंप्रूव कर सकते हैं, आप अपने सीवी में इसको ऐड कर सकते हैं, जहां से आपको लगेगा कि आपके पास एक एक्स्ट्रा स्किल है जिसको आप जो है अपलोड कर सकते हैं अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे, तो इससे जॉब मिलने में चांसेस जो है आपकी बढ़ जाएगी। तो ये देखिए कुछ ऐसा ही सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है गूगल डिजिटल गैराज ये साइन, और मैं आपको अपना भी सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे अभी मेरे स्क्रीन पे शो हो रहा है ये सर्टिफिकेट जो कि मैंने यहाँ पे किया था 2020 में कंप्लीट किया था। तो कुछ ऐसा ही सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जब आप ये फाइनली कंप्लीट कर लेंगे 40 घंटे का कोर्स, जब आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तब। सेकंड देख लीजिए मैं आपको बताता हूँ कि वाई गेट सर्टिफाइड। तो सर्टिफाइड देखिए कि आप सेकंड में क्या है कि आपको जॉब मिलने का चांसेस यहाँ पे बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिटल स्किल आपके पास हो जा रही है ना, जिससे आप मोटिवेटेड रहेंगे और आपको जॉब यहाँ पे मिलने में ईजी हो जाएगा। अब देखिए अपने करियर को आप डेवलप कर सकते हैं, इस डिजिटल नॉलेज को आप यूज करके आप अच्छा खासा जॉब आप ले सकते हैं, प्रमोटेड भी हो सकते हैं, और साथ में एक अपना खुद का न्यू करियर भी चाहे तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए इसका बेनिफिट हो गया। अब बताते हैं काम कैसे करता है। तो यहाँ पे देखिए नया नया स्किल्स आपको सीखना होगा जो वीडियो के माध्यम ट्यूटोरियल के माध्यम से होगा, उसके बाद आपको जो है टेस्ट देना पड़ेगा, और टेस्ट जो होगा हर एक क्विज होगा, इसके बाद फाइनली जब सब कुछ आप कंप्लीट कर लेते हैं 26 मॉड्यूल्स आपका जो है कंप्लीट हो जाता है, तो फिर एक फाइनल एक सर्टिफिकेशन एग्जाम होगा जिसमें 40 क्वेश्चंस होंगे। अगर उस 40 क्वेश्चंस को आप क्वालिफाइड कर पाते हैं तभी आपको यहाँ पे एक सर्टिफिकेशन यहाँ पे मिलता है। फिर सर्टिफिकेट को आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उसको शोकेस कर सकते हैं, कहाँ पे, अपने जो है लिंक्डइन प्रोफाइल पे या फिर अपने जो आप सीवी पे वहाँ पे दिखा सकते हैं उसको कि आपके पास ये सर्टिफिकेशन है डिजिटल मार्केटिंग का, फंडामेंटल डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट है। तो देख लीजिए इसमें आपको मैं बता दूँ टोटल ये देख लीजिए कोर्स कितने हैं, 26 मॉड्यूल्स हैं, इसमें जाके आप कर सकते हैं। हर एक मॉड्यूल्स में देखिए वेरिएबल यहाँ पे लेसन है, किसी में 2 लेसन है, किसी में 3 लेसन है, ऐसे करके अगर हम बात करें तो टोटल है 106 लेसन है, मतलब टोटल 106 लेसन है, और सबका देखिए टाइमिंग यहाँ पे दिया हुआ है कि ये लेसन कितने टाइम में करना है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप डेली कितना देते हैं, 2 घंटा देते हैं, 3 घंटा देते हैं, 4 घंटा देते हैं, ये सब आप पे डिपेंड करेगा। लेकिन टोटल जो है 40 घंटे का कोर्स है, आप उस 40 घंटे को आप कैसे कंप्लीट करना चाहते हैं 26 मॉड्यूल्स, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये था हो गया सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें रजिस्टर कैसे करेंगे। तो लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जैसे आप ओपन करेंगे ये कुछ ऐसा इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखेगा, रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे,
क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपने मेल आईडी से रजिस्ट्रेशन आपको वहाँ पे करना होगा। तो क्लिक करने के बाद गूगल डिजिटल गैराज का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। रजिस्टर विद गूगल, तो आप चाहे तो गूगल से रजिस्टर कर सकते हैं, या नहीं तो आप रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप ईमेल और पासवर्ड करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने आए हैं तो आप रजिस्टर विद गूगल पे जाइए। जैसे गूगल आपने कोई मेल आईडी आप जो जिन्होंने आपने मेल आईडी अपने यहाँ पे बनाया हुआ है उसी मेल आईडी से आप इसमें लॉग इन आई मीन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो देखिए मैं अपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ एक मेल आईडी, कोई भी मेल आईडी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे जिससे आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। जैसे आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन का अगला स्टेप जो है ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने अपना जो है मेल आईडी अपना गूगल का जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, तो आप अपने सीधे गूगल से सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके यहाँ पे कुछ डिटेल्स है और कुछ क्वेश्चन ये करने पे आप करेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट पे क्लिक कर देंगे तो फाइनल जो है आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। जैसे मैंने अपने नॉलेज आधार के मेल आईडी से किया है तो फर्स्ट नेम नॉलेज अपना फर्स्ट नेम देना है आपको, यहाँ पे लास्ट नेम देना है। ध्यान रहे कि ये जो नेम आप देंगे वही नेम आपके सर्टिफिकेशन पे आने वाला है, तो सोच समझ कर ये नाम दें फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यही मेल जो है आपके फाइनल सर्टिफिकेट पे आएगा। ईमेल प्रिफ्रेंसर, क्या आप चाहते हैं कि ऐसे ईमेल्स आते रहें जो कि आप डिजिटल स्किल्स से हो, तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। क्या आप चाहते हैं कि रिसर्च पार्टनर्स जो भी हैं आपसे जो है फीडबैक लेते रहें, तो हाँ, अगर नहीं चाह रहे हैं आप तो नो कर देंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपको ईमेल आते रहें नए कोर्सेज से या इससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है सारे कोर्स से आपको ईमेल मिलते रहे ताकि आप इसके रिगार्डिंग और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे गूगल की तरफ से, तो यस कर दें। फिर इस पे जो है आपको एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद इस पे आपको कंप्लीट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे कंप्लीट बटन पे आप क्लिक करेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान में यहाँ पे रखना होगा, इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन जैसे ही कंप्लीट होगा आप सीधे जो है लॉगिन कर पाएंगे डायरेक्ट, जैसे ही अपना गूगल आप लेकर आएंगे मेल आईडी वहां से आप जाके लॉगिन यहां पे कर पाएंगे। जैसे ये देखिए मेरा रजिस्ट्रेशन यहां पे हो गया है, यहां रजिस्ट्रेशन मेरा हो गया। आप देखिए यहां पे नहीं बताया जा रहा है इन प्रोग्रेस कोई भी कोर्स, जैसे ही आप कोई कोर्स कर रहे होंगे तो इन प्रोग्रेस में जीरो बता रहा है, कोई कोर्स कम्प्लीट किया है तो जीरो है। तो यहाँ बहुत सारा कोर्स है, यहाँ से ये माई लर्निंग प्लान है। अब देखिए ऑनलाइन कोर्सेस में जैसे मैं आपको बता दिया था ऑनलाइन कोर्सेस में आना है, आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपने कितना कंप्लीट किया है डेली का, वो माय लर्निंग प्लान में जाके आप क्लिक करके यहाँ पे माय लर्निंग प्लान में आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए वेलकम टू गूगल डिजिटल गाइड, देखिए यहाँ पे आ गया है आई एम रेडी, यहाँ से आप जाके स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये है रिजल्ट 156 कोर्सेस से आपको यहाँ पे आया, तो आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, ये वाला फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये आपको सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे, क्योंकि इसी का फ्री में सर्टिफिकेशन, बाकी बहुत सारे कोर्स हैं लेकिन वो क्या है कि फ्री में सर्टिफिकेशन उनका नहीं है। तो यहाँ से आप जो है अपना कोर्स जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्टार्ट कोर्स पे आप क्लिक कीजिए, जैसे स्टार्ट कोर्स पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे फर्स्ट मॉड्यूल का क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे, साथ में वीडियो ट्यूटोरियल यहाँ पे आ जाएगा। तो वीडियो को देखना है उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे जैसे आप कोर्स में प्रोग्रेस करेंगे आपको यहाँ पे परसेंटेज दिखते रहेगा 0%, और जैसे जैसे आप मॉड्यूल्स में आगे बढ़ते जाएंगे आपको यहाँ पे बैज मिलते जाएगा कि आपने जैसे अच्छा किया तो फर्स्ट बैच मिल जाएगा। तो टोटल देखिए कि यहाँ पे कितना 6 बैच है और सारे बैच आपको यहाँ पे मिलने हैं, टोटल यहाँ पे देखिए 26 बैचेज है, क्योंकि आपको पता है कि 26 मॉड्यूल्स है। तो जैसे आप मॉड्यूल्स कंप्लीट करते जाएंगे यहाँ पे बैच आपको मिलते जाएगा। तो देखिए फर्स्ट मॉड्यूल में यहाँ पे देख लीजिए ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी, इसमें 2 लेसन है, ये 15 मिनट का कोर्स है आपको यहाँ पे, ये आप कर सकते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करके आप फर्दर जो है कोर्स करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने इस पे स्टार्ट किया, स्टार्ट पे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा यहाँ पे देखिए कोर्स आप जो है स्टार्ट कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पे आपको दिया है द ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी बेसिकली क्या है उसके बारे में यहाँ पे दिया है, 2 लेसन है 15 मिनट, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 लेसन है। फर्स्ट हम जानेंगे इंट्रो टू डिजिटल गैराज, बेसिकली डिजिटल गैराज है क्या। तो यहाँ देखिए यहाँ पे दिया है वॉच लेसन, तो वॉच लेसन पे आपको क्लिक करना है और ये स्टार्ट लर्निंग पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे फर्स्ट जो लेसन है आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो कि द ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी का फर्स्ट लेसन होगा, यानी कि जैसे यहाँ पे देखिए वॉच द लेसन। तो इस तरह से आप जो यहाँ पे कर सकते हैं, ये देखिए गूगल की तरफ से है, इसको आपको देखना है। मैं इसको ये कर देता हूँ, नहीं तो हो सकता है कहीं कॉपीराइट मुझे मिल जाए, ये मैंने म्यूट कर दिया।
तो देखिए इस तरह से देखिए आपको यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। क्या उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है जो कि मैंने बता दिया गूगल की तरफ से। डिजिटल गराज में क्या होता है कि आप यहाँ पे सीख सकते हैं जो भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी सब टूल्स हैं कि यहाँ पे गूगल डिजिटल गराज पे सीख सकते हैं। साथ में जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप फ्री में सीखते हैं वो सब डिजिटल गराज में सीख सकते हैं। आप यहाँ पे डेटा समीशन आपको यहाँ पे गूगल डिजिटल इसलिए जो है गूगल का ही अपना वीडियो है, गूगल ने तैयार किया है, सीख सकते हैं। जैसे वीडियो कंप्लीट हो गया यहाँ पे चेक योर नॉलेज पे आप क्लिक करके कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है क्या ये कह रहे हैं तो आप इनका जो है ट्रांसक्रिप्ट पढ़ सकते हैं। मतलब जो जो वीडियो में बताएंगे वहाँ पे देखिए ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ये ट्रांसक्रिप्ट आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि आखिर ये बता क्या रहे हैं। तो की लर्निंग यहाँ पे हो गया, जैसे यहाँ पे डिजिटल गराज के बारे में उन्होंने बता दिया। तो इस तरह से देखिए आप अपना कोर्स कंप्लीट करें, हर एक वीडियो के बाद आपको यहाँ पे चेक योर नॉलेज होगा, फिर आप आगे जाएंगे फिलनेसर होगा। जैसे ही चेक योर नॉलेज जो है आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा तभी आप यहाँ पे, जैसे चेक योर नॉलेज मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ऐसा क्वेश्चन होगा जैसे देखिए यहाँ पे पूछा है ना कि बिजनेस जो है आप ऑनलाइन लेकर आते हैं, जो भी आपका अपॉर्चुनिटी है उसको ऑनलाइन आप अगर लेकर आते हैं तो ये कैसे आपके कंपनी को हेल्प करेगा, न्यू एक्साइटिंग वेज में कैसे ही आपके कंपनी को हेल्प करेगा यहाँ पे पूछा जा रहा है। जैसे ही आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाते हैं तो क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपको लग रहा है कि इससे आपको एडवांटेज होगा, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, यहाँ दिया सेलेक्ट द ऑप्शन यू थिंक आर करेक्ट। आपको कौन सा ऑप्शन लगता है कि इसमें से जो सारे ऑप्शन है कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जो आपको लग रहा है कि जो आप अपने कंपनी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहे हैं तो आपको उससे क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सेलेक्ट करेंगे, ध्यान रहे, और उसका सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे फिर आपका नेक्स्ट लेसन आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको जो है एक एक वीडियो लेक्चर में सिखा दूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर, साथ में जो कमेंट्स हो आपके कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हमेशा लेकर आते रहते हैं। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, टिल देन दिस इज साइनिंग ऑफ, थैंक यू।